नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोगों को स्वागत है आपका टेकटॉक्स 21 के एक और नए एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे गूगल के प्रोजेक्ट स्टारलाइन को लेकर। 4 दिन पहले गूगल का एक IO समिट हुआ। गूगल ने एक इंटरेस्टिंग बात की है जो कि है गूगल का प्रोजेक्ट स्टारलाइन। जी हां दोस्तों, क्या होगा इस प्रोजेक्ट में? वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। बिना समय गवाए हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें इस प्रोजेक्ट स्टारलाइन की, तो ये होगा एक वीडियो कॉल बेस्ड प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, हम काफी ज्यादा वीडियो कॉल्स जो हैं वो कर रहे हैं लॉकडाउन में और काफी ज्यादा क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं। तो बात करें इस प्रोजेक्ट स्टारलाइन की, तो प्रोजेक्ट स्टारलाइन में जो है वो गूगल आपको एक 3D वीडियो कॉलिंग का मजा जो आपको दे सकता है। 3D वीडियो कॉल, जी हाँ दोस्तों, एक काफी बड़ी स्क्रीन पे होगा जिसमें आपको लगेगा कि ने आपका कॉलर है या ऑब्जर्वर है वो बिल्कुल आपके सामने बैठा हो, हूबहू आपके सामने। तो ये होगा कैसे? ये होगा एक सिंपली हाई परफॉर्मेंस और रियल टाइम कंप्रेशन को लेकर, जिसमें आपकी इमेजेस जो है वो बिल्कुल ही 100 times कंप्रेस कर दी जाएंगी और उसका डेटा जो है वो स्क्रीन को ट्रांसफर किया जाएगा और जब वो दूसरी स्क्रीन तक पहुंचेगी तो वो कलर स्प्लिट हो जाएंगे। काफी मजा आएगा इसको देखकर। ये एक AI का एडवांस ऑप्शन है जिसमें आपको सामने वाले ऑब्जर्वर की एक 3D प्रिंटिंग जो है आपको देखने को मिल सकती है। वो होगी आपके एक्शंस पे बेस्ड। एक लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आपकी 3D इमेज जो है वो लेफ्ट टर्न ले लेगी, साथ ही में अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो आपकी 3D इमेज भी राइट टर्न ले लेगी। तो देखते हैं ये प्रोजेक्ट स्टारलाइन कब तक लॉन्च होगा और ये काफी अमेजिंग लगता है। और साथ ही में बात करें गूगल के नए ऑफिस की, तो गूगल का एक ऑफिस जो है वो माउंटेन बेस्ड होगा जिसमें आपको ड्रैगन स्केल जो है वो रूफटॉप देखने को मिल सकती है जो कि होगी एक सिल्वर मेड। इसमें आपको ड्रैगन स्केल जो है वो सोलर पैनल्स देखने को मिल सकते हैं जिसमें काफी ज्यादा एनर्जी जो है वो सेव रहेगी। गर्मी के मौसम में काफी ज्यादा अच्छा होगा और सर्दी के मौसम में भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये अपने आप में एक पहली तरह का प्रोजेक्ट है जो कि गूगल जो है वो लॉन्च कर चुका है और देखते हैं कि आने वाले 2 सालों में ये प्रोजेक्ट बनकर कैसा दिखता है। और अगर हम बात करें गूगल मैप के नए फीचर्स की, तो गूगल ने कहा है कि अब आपको गूगल सर्च पे जो है वो अपने आसपास की एक 3D इमेज देखा जाएगी जो कि एक नया फीचर गूगल मैप्स में ऐड हो जाएगा अगले साल तक। जैसे कि आप पेरिस के आईफिल टावर को सर्च करेंगे तो आपको आईफिल टावर की 3D इमेज शो हो जाएगी कि आपने जाना किस तरफ है। और आपको गूगल जो है वो इको फ्रेंडली बाइक रूट भी दिखाने में अब सक्षम होगा। जी हाँ दोस्तों, बाइक रूट, पहले जो गूगल है वो शॉर्टेस्ट रूट दिखाता था, अब वो एक सेफेस्ट रूट भी दिखाएगा जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल कम हो जाएं। साथ ही गूगल ने कहा है कि आने वाले 5 साल के बाद आपको एक पासवर्ड लेस जो है वो अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप अपनी ID डालते हैं और आपको पासवर्ड भी डालना पड़ता है जिसकी वजह से काफी ज्यादा हैकिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए गूगल ने कहा है कि वो अब एक पासवर्डलेस ID जो है वो क्रिएट करके देगा अपने कस्टमर्स को। इसमें गूगल ने अपना स्मार्ट कैनवस फीचर जो है वो लॉन्च कर दिया है जो कि खाली एक क्लाउड यूजर्स को दिया जाता था, लेकिन ये अब आम यूजर्स के लिए भी अवेलेबल होगा, जिसमें कि आपको एक, जैसे आपकी एक टीम है और उसके काफी ज्यादा मेंबर्स हैं और सबको एक डोमेन पे जो है ID दी जाएगी। जैसे @example.com कोई डोमेन है तो उस पर आपको एक ID दी जाएगी। अगर आपको एक बिजनेस मीटिंग करनी है तो आप उस पर सारे देख सकते हैं और कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे वो मीटिंग में बैठा ही नहीं है। सबको एक सिंगल विंडो प्रोवाइड की जाएगी जिसमें सभी जो है वो दिखाई दे सकते हैं और एक नॉइस कैंसलिंग फीचर जो है वो गूगल मीट में आपको देखने को मिल सकता है जिसमें जो है वो काम की बातें ही आपको सुनने को मिलेंगी और फालतू का बैकग्राउंड नॉइज जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा आपको। साथ ही में एक और बात बता दूं, जी हाँ दोस्तों, आपने गूगल असिस्टेंट काफी ज्यादा यूज किया होगा, लेकिन गूगल असिस्टेंट की जगह लेने के लिए एक नया प्रोग्राम जो है वो बना दिया गया होगा, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, AI प्रोग्राम जिसमें जो है वो लैम्डा आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा और आपको काफी ज्यादा अच्छे जो है वो आंसर्स देने को मिल सकते हैं। सीरी के मुकाबले आपको गालियां तो नहीं मिलेंगी, जो कि एक ह्यूमन नेचर बेस्ड जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम होगा। करें गूगल के पिक्सल फीचर को लेकर, जिसमें गूगल ने कहा था कि आपको अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज जो है वो देखने को मिल सकती है, वो होगी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से जो कि गूगल ने अपनी समिट में रिवील कर दिया है। अब गूगल जो है वो TPU 4 बेस्ड जो है वो वर्जन यूज करेगा अपनी इमेजेस स्टोर करने के लिए अपने कस्टमर्स की, जो कि सिर्फ गूगल पिक्सल यूजर्स को ही प्रोवाइड की जाएगी, जो कि V3 चिप से ना तेज काम करेगी और आपका डाटा जो है वो क्लाउड में काफी जल्दी स्टोर होगा। ये क्लाउड यूजर्स के लिए काफी अच्छा मोमेंट है क्योंकि क्लाउड में जो है वो स्टोरेज खाली 15 GB प्रोवाइड की जाती है। गूगल जो है वो आपको एक एडवांस स्टोरेज ऑप्शन दे सकता है जो कि एक्सटेंडेड हो सकता है कम से कम 30 GB तक, और गूगल पिक्सल यूजर्स के लिए तो काफी ज्यादा फायदा है। उनके लिए गूगल ने जो है वो अनलिमिटेड स्टोरेज का ऑप्शन जो पेश कर दिया है। एक TPU V4 चिप में 4096 जो है वो चिप्स इंस्टॉल्ड होंगी, जिसके साथ जो है वो काफी ज्यादा चिप्स इंस्टॉल्ड हो सकती हैं, जैसे कि एक नेटवर्किंग ऑप्शन में दिया जाता है, और हर एक चिप में जो है वो 10 times बैंडविड्थ जो है वो प्रोवाइड की गई है। अगर हम बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग की, तो गूगल जो है वो आने वाले टाइम में क्वांटम कंप्यूटिंग का जो फायदा है अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकता है, और आने वाले टाइम में क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो
हर एक कस्टमर की डिमांड होगी। और गूगल जो है वो काफी ज्यादा क्वांटम कंप्यूटिंग में ध्यान दे रहा है। अगर ये क्वांटम कंप्यूटिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो आने वाले समय में हमें काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं वो गूगल में देखने को मिल सकते हैं और हमारी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा आसान हो सकती है क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से। तो बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पे, वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर और चैनल को दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए ऐसी शानदार टेक अमेजिंग वीडियोज जो है वो लाते रहें। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।